हमारे पास दो स्विचेस हैं, स्विच ए और स्विच बी। इसमें फर्स्ट करें कि पहले सर्किट में दोनों स्विचेस खुली हैं और इसमें दूसरी सूरत में एक स्विच खुली और एक बंद है। तीसरी सूरत में भी सही फोकस नहीं हुआ। अच्छा, एक स्विच खुली, बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए ऐसे। एक स्विच खुली और एक स्विच बंद है, जबकि चौथी सूरत में दोनों स्विचेस खुली हैं। अब हम इसमें एक्स की कीमत यानी आउटपुट की कीमत मालूम करना चाहते हैं। आउटपुट को हम एक्स से जाहिर करेंगे। पहली सूरत में स्विच ए और बी दोनों खुले हैं, इस सूरत में इसमें से करंट नहीं गुजर सकेगा। दूसरी सूरत में एक स्विच खुला और एक स्विच बंद है, इस सूरत में भी इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, यानी आउटपुट की कीमत जीरो होगी। तीसरी सूरत में स्विच बी खुला, जबकि स्विच ए बंद है, इस सूरत में भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकेगा। चौथी सूरत में दोनों स्विचेस बंद हैं, इस सूरत में करंट गुजरेगा। और ऑपरेशन की तारीफ इस तरीके से की जा सकती है कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी इनपुट की कीमत 1 हो, उसके आउटपुट की कीमत सिर्फ इसी सूरत में 1 होगी कि जब तमाम स्विचेस की कीमत 1 होगी। और गेट ऐसे गेट को और इसको एक्स इक्वल है लीनियर वेरिएबल्स के तमाम ऑपरेशंस को लॉजिक ऑपरेशंस कहते हैं। फिजिक्स में किसी भी मुमकिन सूरत 2, 0 और 1 दो मुमकिन सूरत होते हैं। इन्हें मुख्तलिफ पोटेंशियल से जाहिर किया जाता है। अगर 0 है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह रहा और इसका इलेक्ट्रिक करंट 0 पोटेंशियल है। आमतौर पर 1 को 5 वोल्ट से जाहिर किया जाता है या किसी मुनासिब कीमत से। और फिर ऐसे गेट्स बनाए जाते हैं जो इसकी तामील करते हैं, इसको लॉजिक गेट्स कहते हैं। और गेट्स ऐसे गेट्स जिनके हम फर्ज करते हैं कि दो स्विचेस मुतवाजी लगी हुई हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है और इसमें हम एक्स की कीमत मालूम करना चाहते हैं। लुक फ्रंट, और इसमें हम एक्स की कीमत मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक्स आउटपुट है। हम देखते हैं कि इसकी पहली सूरत में स्विच ए और स्विच बी दोनों खुली हैं। इस सूरत में इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। दूसरी सूरत में स्विच ए खुली और स्विच बी बंद है, इस सूरत में इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा और आउटपुट की कीमत 1 होगी। तीसरी सूरत में एक स्विच बी खुला और स्विच ए बंद है, इस सूरत में भी यहाँ से करंट गुजरेगा। चौथी सूरत में दोनों स्विचेस खुले हैं, दोनों स्विचेस बंद हैं, इस सूरत में भी यहाँ से करंट गुजरेगा। इसकी तारीफ इस तरीके से की जा सकती है कि और ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जिसमें किसी भी इनपुट की कीमत 1 है, जबकि इसके आउटपुट की कीमत भी 1 है। इनपुट की कीमत इसी सूरत में 1 होगी जबकि तमाम गेट्स कीमत 1 होगी। और गेट को आमतौर पर प्लस के निशान से जाहिर किया जाता है।
स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी, इसको एक्स इक्वल है ए प्लस बी करते हैं। और ऐसे गेट्स जो के और ऑपरेशन की तामील करते हैं उन्हें और गेट्स कहते हैं, नॉट के। हम जानते हैं कि एक बोलेनियन वेरिएबल अपनी कीमत तब्दील कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी कीमत ए है तो इस ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत तब्दील हो जाएगी। यू क्लोज ए बुक्स, और इस ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत एक्स इक्वल है ए की है, और इस ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत बदल जाएगी ऑपरेशन से पहले इसकी कीमत एक्स इक्वल है ए थी, और ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत एक्स इक्वल है ए बार हो जाएगी। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, लुक फ्रंट, एक्स इक्वल है ए बार। ऐसा गेट जो के नॉट ऑपरेशन की तामील करता है उसे नॉट गेट कहते हैं, नॉट गेट। हम अगर किसी भी बोलेनियन वेरिएबल में अगर किसी नॉट गेट के साथ एक बोलेनियन वेरिएबल को जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत तब्दील हो जाती है। इसकी कीमत ऑपरेशन से पहले एक्स इक्वल है ए डॉट बी थी, तो ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत एक्स इक्वल है ए पॉइंट बी बार हो जाएगी। यह कीमत इसकी ऑपरेशन से पहले थी, और ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत एक्स इक्वल है ए पॉइंट ए डॉट बी बार हो जाएगी। और इसे इस तरीके से पढ़ेंगे, एक्स इक्वल है ए डॉट बी बार। नैंड गेट, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट नॉर गेट। नॉर गेट ऐसा गेट होता है कि जब भी किसी और ऑपरेशन के साथ एक बोलेनियन वेरिएबल को जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत तब्दील हो जाती है। ऑपरेशन से पहले इसकी कीमत एक्स इक्वल है ए प्लस बी थी, ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत ए प्लस एक्स इक्वल है ए प्लस बी बार हो जाएगी। ये किसकी कीमत है बार के बगैर? ये और ऑपरेशन की कीमत है जो के ऑपरेशन के बाद इसकी कीमत और दूसरे स्विच को S2 कहेंगे। स्विच S1 को हम खिड़की के साथ लगा देंगे और स्विच S2 को हम दरवाजे के साथ लगा देंगे। हम इसको इस तरह फिट करेंगे कि जब भी दरवाज़ा खुले तो इसकी आउटपुट 1 हो जाए, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाए, और जब दरवाज़ा बंद हो तो इसकी कीमत 0 हो जाए, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो जाए। अब जो ही इसमें दोनों स्विचेस जो कि खिड़की के साथ स्विच लगी हुई है, जो ही खिड़की खुलेगी इसमें दोनों की इसका कीमत 1 हो जाएगी, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट मुहैया होगा और यह बजना शुरू हो जाए। एनी क्वेश्चन about this lecture? Yes, ma'am.
किसमें? ऊंची आवाज में। कंडक्टर और कंडक्टर में? कंडक्टर। इंसुलेटर, ऐसी अशिया जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता उनको इंसुलेटर कहते हैं, जबकि ऐसी अशिया जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। क्लोज योर बुक। डी एस सी जी डी एस सी ऐसा सर्किट जो के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तब्दील करता है उसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं और उसे डीएसी से जाहिर किया जाता है। और जब का ऐसा सर्किट जो एनालॉग मिकदारों को डिजिटल मिकदारों में तब्दील करता है उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं और इसे एडीसी से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट।